हेलो दोस्तों, डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम बनाने वाले हैं आंवले का मुरब्बा। 1 किलो आंवला लिया है मैंने, ये देखिए। और इस तरह का आंवला लीजिएगा, एकदम जो हरा होता है ना वो मत लीजिएगा, जो थोड़ा सा हल्का सा येलोश में होता है वो बढ़िया होता है बनाने के लिए। हरे वाले में क्या होता है कि उसमें कसैला बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है और सारे आंवले को हम इस तरह से इस फॉक से इस तरह से छेद कर देंगे, इस तरह। देखिए कैसे रस निकल रहा है इसमें से। दोस्तों मैंने सारा आंवला छेद कर लिया है इस चम्मच से। ये पूरा 1 किलो आंवला है, ये देखिए, सारे में मैंने चम्मच से छेदा कर लिया है, बढ़िया से टूच लिया है इसमें। अब हम क्या करेंगे कि हम उबालेंगे नहीं, एकदम सिंपल सी रेसिपी है ये, सिंपल तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से इस बाउल में रखेंगे, एक किलो आंवला है तो इसमें 1 से 1.5 किलो चीनी लगेगी, या तो फिर 1.25 किलो चीनी आप डालिए। मैं ये पूरी 1.25 किलो चीनी है तौल के मैंने लिया है, पूरा 1.25 किलो चीनी इसमें मैं डाल दूंगी और अच्छे से ऊपर नीचे कर देंगे आंवले को इस तरह, अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। और हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए, या तो आप ओवरनाइट इसे ढककर रख दें। और एक काम हम और करेंगे, इसमें थोड़ा सा काला नमक हम डालेंगे। आप चाहे तो सफ़ेद नमक भी डाल दें। काला नमक डालने से क्या होगा कि इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। काला नमक डाल के इस तरह से आप मिला लें पूरा इस तरह से। और जब ये पानी छोड़ेगा आंवला अपना और चीनी भी जब पिघलेगी तब बहुत टेस्टी बन जाएगा ये। इसी तरह से ढककर हम छोड़ देंगे। मिलते हैं दोस्तों 17 से 18 घंटे हो गया है, देख लेते हैं हमारा आंवला कैसा है। आंवला पूरी तरह से पिघल चुका है चीनी के साथ, एकदम मेल्ट हो गई है चीनी और आंवला भी। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम गैस पे पकाएंगे इसको। तो सबसे पहले मैं इस भगोने में पलट लेती हूँ, ये देखिए पूरा पानी छोड़ चुका है, बहुत अच्छी खट्टी खट्टी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। मैं पलट के दिखाती हूँ आपको, देखिए दोस्तों कैसे एकदम पतला सा हो गया है। अब हम सब एक साथ पलट देते हैं और पकने देंगे, धीमी आंच पर पकाएंगे। पकते हुए जब पकने लगेगा तब हम इसे चलाएंगे, अभी पकने देते हैं। 1 किलो आंवला था और 1.25 किलो चीनी मैंने डाला है। 1 किलो आंवला में 1.25 किलो चीनी का सिरका जब इसके साथ पककर बनेगा तब बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है, 18 घंटा छोड़ने के बाद देखिए कैसा कलर चेंज हो गया है। इसको हम अच्छे से उबालेंगे तब तक, जब तक कि इसका कलर पूरी तरह से चेंज ना हो जाए। दोस्तों आंवला हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है, ये देखिए धीरे धीरे कलर भी चेंज करने लग गया है। हम अभी उतना अच्छा अभी पका नहीं है, इसे हम अभी और पकाएंगे क्योंकि अभी हमारी चाशनी परफेक्ट बनी भी नहीं है।
तो हम एकदम ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे अभी। दोस्तों फ्लेवर के लिए मैं डाल देती हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दो इलायची लिया है मैंने, इसके बीज निकाल देंगे और डाल देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, और हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। पकते हुए 10 मिनट हो गया है, लेकिन अभी हमें और पकाना है। देख लेते हैं दोस्तों, मुरब्बा हमारा बनकर तैयार हो गया है और हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि शीशे के बाउल में डालना है तो गरम गरम डालेंगे टूट जाएगा, इसीलिए थोड़ा ठंडा होने देते हैं। दोस्तों मुरब्बा हमारा बिल्कुल तैयार है और ये मैंने निकाल लिया है, बहुत ही बढ़िया मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। ना उबालने का झंझट रहा है अलग से, ना फिटकरी के पानी में रखने का, ना चूने के पानी में रखने का, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। मैं आपको एक तोड़कर दिखा रही हूँ, ये देखिए निकाल लिया है मैंने ठंडा होने के लिए, ये देखिए अभी बहुत गर्म है, ये देखिए कितना आसानी से निकल गया और बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और दालचीनी के टुकड़े को हम बाद में निकाल लेंगे, ये मैंने निकाल लिया है, निकाल के बाहर कर दिया है। चाशनी हमारी जब ठंडी होगी तब हम जार में पूरा पलटेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए, मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।